सत श्री अकाल, मैं हाँ अमनदीप सिंह। तो आओ शुरू करते हाँ पंजाब एक्सप्रेस का यह खास बुलेटिन, पंजाब दियां खास खबरां दे नाल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों डिजिटल ढंग नाल लाइव हो के विद्यार्थियों के नाल गलबात की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नौवीं जमात के विद्यार्थियों के नाल वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान करीब 94 स्कूलों के विद्यार्थी इस विच शामिल होए। इस वर्चुअल संवाद प्रोग्राम विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के विद्यार्थियों के नाल सिक्ख्या नाल जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों विद्यार्थियों को चंगी अते लगन नाल पढ़न की हदायत भी की। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी कहा कि वह बहुत होनहार बनन अते इन्हां स्कूलों के विचों चंगी सिक्ख्या हासिल करके पंजाब का नाम रोशन करन। विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाल कई मुद्दों बारे विचार रखे गए। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि पंजाब के इन्हां विद्यार्थियों का आने वाला भविष्य बहुत ही चंगा होगा अते यह विद्यार्थी पंजाब नूं उचाइयां दीयां बुलंदियां ते लै के जाणगे। इस दौरान ही मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहे। उन्होंने भी विद्यार्थियों दे नाल कई मुद्दों ते विचार चर्चा की। ये बहुत एक नवा एक्सपीरियंस है पंजाब वास्ते, और मैं सानू उम्मीद है सारी टीम नूं, ऑफिसर्स ने जिहड़े एजुकेशन नाल रिलेटेड ने, मंत्री साहब ने, असीं सारे तुहाडे बहुत ब्राइट फ्यूचर वास्ते, सुनहरे भविख वास्ते असी जिहड़ा सोच रहे हाँ। तुहानू कोई दिक्कत ना आवे पढ़ाई दे विच, तुहानू पढ़ाई का माहौल वधिया मिले, टीचर्स वधिया मिलन, ते टीचर्स नाल तुहाडा जिहड़ा आपस का ना रिश्ता है वो बहुत फ्रेंडली होवे, तुसी कोई भी गल उन्हां नाल शेयर कर सकते होवो, ते जदों घर जाओ तां तुसी पेरेंट्स ना भी अपने टीचर्स बारे गल करते रहो। पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी नाल नाल चलदियां रहणगियां कि बच्चा बाहर जाके स्कूल तो की कर रहा है, की सीख रहा है, ते पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं आके बच्चों को कि साडा बच्चा स्कूल च जा आके की किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपीटिशन बहुत होगा, पर कंपीटिशन चों ही जिहड़ा होशियार बच्चे निकलते ने। सो एक दूजे नू जिस तरह तुसीं कहा चक दे इंडिया देखी सी कि इंडिविजुअल नहीं कि मैं इनू थले ला दा, मैं इनू थले ला दा, जे सारे टू स्कूल का रिजल्ट 100% आऊगा तो उस स्कूल का नाम बनूगा, उदे हैडमास्टर का, उदे प्रिंसीपल का, उदे टीचर्स का, तुहाडा, तुहाडे पेरेंट्स का। सो साडी सरकार भी इस गल नूं एप्रीशिएट करूगी कि 100% रिजल्ट वाले जिहड़े स्कूल ने उन्होंने होर एप्रीशिएट करिए, उन्हां बच्चों कल्ली पढ़ाई तो बिना होर किते भी परसनैलिटी डिवेलपमेंट दे जिन्हें भी कोर्स जा किते पंजाब दे विच किते होर अलग अलग जगह पर लेके जाइए, ताकि हजे तक तुसी सारा पंजाब भी नहीं देखा होना कि नंगल डैम जिहड़ा है उत्थे किवें बिजली बनती है, तो रणजीत सागर च किवें किन्ना पानी जिहड़ा रोकिया होया है, किवें सतलुज ते ब्यास पहाड़ दे थल्लों दी निकलदे ने। सो सारा कुछ तुहानू असीं दिखावांगे, ट्रैक्टर बनदे तुसीं देख ले, साइकिल बनदे भी दिखावांगे, लुधियाने च स्वैटर बनदे भी दिखावांगे, किवें जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां कंपनियां दा जिहड़ा मटीरियल बनदा है, सिलाई वाली मशीनां सारियां इत्थे बनदियां ने, लुधियाने बनदियां ने, टैक्सटाइल ते वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां, स्टील ते किवें रंग हुंदा, सब कुछ तुहानू असीं दिखावांगे, क्योंकि कोई पता नहीं फ्यूचर च तुहाडे चों किहड़ा उस फैक्ट्री दा MD होवे, उस फैक्ट्री दा GM होवे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो छुट्टियां भी हुण हो जाणगियां, पर कल तो छुट्टियां ने, पर वो छुट्टियां नूं इस तरह नहीं लेना कि सारा कुछ भुल ही जाओ, नाल नाल कुछ कंटीन्यूटी रखियो, पढ़ाई नाल इन टच जरूर रहो, क्योंकि खड़ा पानी खराब हो जाता है, पानी चलता ही वगदा ही ठीक हुंदा। सो मैं तुहाडे सारे टीचर्स दा, सारे प्रिंसीपल हैडमास्टर्स सारे दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं अज इत्थे जिहड़ा स्कूल दे विच बैठ के इस तरह वर्चुअल गल की है। फ्यूचर के होर भी वधिया तरीके गलबात करते रहेंगे, कोई किसी किस्म का सुझाव हो किसी बच्चे का, कोई किसी किस्म का कोई थोड़े शिकवा शिकायत हो चीज़ चाहिए है, आ कमी है, तो खुल के तुम दस सकते हो, कोई किसी किस्म थोड़े डर या कोई भय नहीं है। सो तुम खुल के दसो, असी उन्हें चीज़ वो चीज़ा थोड़े लिए प्रोवाइड करवावे। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच उन्हां वालों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भतीजे दे खिलाफ पंजाब दे एक खिडारी तो रिश्वत मंगण नूं लै के लगाए दोष दे सबूत पेश किए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस खिडारी दे परिवार वालों नूं इंसाफ जरूर दवाएगी पंजाब सरकार।
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਸਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਸਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਸਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ, ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਸ਼ਨ 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 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, PPSC ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਲੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 3% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹਿਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ DCP ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਚਲਾਈ।
सहु चुकन तो बाद गुरमीत सिंह खुडिया ने बलकार सिंह ने हलफ वाले दस्तावेज उत्ते हस्ताक्षर किए, जिस उत्ते राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी दस्तखत किए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहां नवनियुक्त मंत्रियों नूं वधाई दित्ती अते कहा कि वह पहला ही मिशनरी उत्साह नाल लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि नवे बने मंत्री इसे उत्साह ते भावना दे नाल लोगों की सेवा जारी रखेंगे। वजारत विच मुख्यमंत्री तो इलावा 17 वजीर बनाए जाण दी व्यवस्था है अते इस वेले वजारत विच 14 मंत्री हन। मैं बलकार सिंह ईश्वर दी सहु चुकदा हां कि जो कोई मामला पंजाब राज दे कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जां मैनूं ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियों नूं सवाए उस दे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लड़ींदा है। मैं सीधे ना सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मैं गुरमीत सिंह खुडिया ईश्वर की सहु चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारतीय प्रभुसत्ता अखंडता बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतर कर निभावगा। मैं पै जा पक्षपात स्नेह या दुर्भावना जिहड़ा सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता न्याय करांगा। पंजाब कैबिनेट विच शामिल नवे मंत्रियों नूं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवे बने कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह नूं स्थानक सरकारां दे मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस तरह गुरमीत सिंह खुडिया नूं खेतीबाड़ी मंत्री बनाया गया है। नवे मंत्रियों नूं कैबिनेट विच शामिल करन दे नाल ही मौजूदा मंत्रियों नूं दित्ते गए काम दे भार नूं घट किया गया है। नवे मंत्रियों नूं मिली जिम्मेवारियां ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए यह उन्हां नूं वधाई भी दित्ती है। पंजाब राजभवन विच सहु चुकन तो बाद पंजाब दे नवे कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह अते गुरमीत सिंह खुडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दित्ती है। उन्हां मुख्यमंत्री भगवंत मान दा धन्नवाद करदे होए कहा कि जो भी जिम्मेवारी उन्हां नूं दित्ती जाएगी वह उसनू पूरी ईमानदारी ते तनदेही दे नाल निभाउणगे। मेरे प्रेस वाले साथियों का बहुत धन्नवाद कि तुसीं बड़ी वड्डी गिणती दे विच सारे पहुंचे जो और अज पंजाब दे अंदर सरदार भगवंत सिंह मान की जो सरकार कर रही हैगी है उन्होंने जो सानू जिम्मेवारी दिती है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साहब भगवंत सिंह मुख्यमंत्री सीएम पंजाब जी ने और असी बड़े तनदेही नाल और उन्होंने टीम का एक कैबिनेट का हिस्सा बने हैं और बहुत वधिया तरीके इमानदारी हार्ड वर्किंग काम करांगे। धन्यवाद जी। देखो जी जिहड़ियां जनरल चोणां होईआं है उस दे अंदर बहुत हार्ड वर्क की है सारी साड़ी टीम ने सीएम साहब की निगरानी देख बहुत वधिया तरीके जनता ने सपोर्ट की है और बहुत वधिया तरीके पूरे पंजाब के अंदर फिर दोबारा प्रजेंट किया है कि आम आदमी पार्टी वाकई स्ट्रोंग है। सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री साहब पंजाब ने अपनी टीम में सानू शामिल किया, उन्हों का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी होर का मैं खास करके लंबी हल्के के लोगों का भी जिन्हों के सदका मैं इस तक पहुँच सकिया। साढ़े ते जो जिम्मेवारी पाई गई है उन्होंने बड़ी तनदेही निभावे पूरी ईमानदारी रखना साडा फर्ज है, सरकार का फर्ज है, साड़ी पार्टी का फर्ज है। उस फर्ज न उस सच न होर सच करके दिखावे जी साड़ी जिम्मेवारी जिथे जिथे लाई जाऊगी उन्होंने बाखूबी पूरी ईमानदारी निभावे। ये मुख्यमंत्री साहब ने थोड़े समय च दे देने हैं जो थोनू सारे पता लग जूगा। अजे तक संविधान की सहु चुकी है कैबिनेट मंत्री के वजह। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों पंजाब नूं गैंगस्टर मुक्त सूबा बनाउण अते पंजाब दे विच्चों नशा मुक्त करन दे लई पंजाब पुलिस दे सारे अधिकारियों नूं निर्देश जारी किए गए हैं, जिस दे चलदे होए पंजाब पुलिस दे DGP गौरव यादव ने पंजाब दे सारे ज़िलियां दे CP अते SSP नूं इह सख्ती नाल निर्देश जारी किए हैं कि वह पंजाब दे विच हो रही उन्हां सारियां थावां दा मुआयना करन जिस थां ते नशे दा प्रचलन हुंदा है अते उन्हां सारे नशा तस्करी करन वाले तस्करां नूं भी गिरफ़्तार करन अते उन्हां दी जमीन जायदाद नूं भी पुलिस हिरासत विच लैण।
जिस दे चलते हुए यही पंजाब दे सारे जिलों विच पंजाब पुलिस के अधिकारियों वालों लगातार सर्च अभियान चला के पंजाब सरकार दीआं हिदायतां अते निर्देशां दी पालना की जा रही है। पंजाब दे कई जिले जिमें कि फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, राजपुरा ते होर भी कई जिलों विच पंजाब पुलिस वालों नाकेबंदी करके गड्डियां नूं रोक के उन्हां दी चैकिंग लगातार की जा रही है। उन्हां वालों हरेक जिलों के एंट्री पॉइंट्स ते नाकेबंदी करके जिले के अंदर आउण जाण वालियां गड्डियां दी लगातार चैकिंग की जा रही है, जिस कारण उन्हां नूं इस चैकिंग दौरान कई वड्डियां सफलतावां हासिल हो रही हैं। अते वड्डी मात्रा विच नशा तस्करी दा समान अते खेप बरामद की जा रही है। इस दे नाल ही पंजाब पुलिस दे सारे जवानां वालों भीड़ भड़के वालियां थावां दी भी लगातार चैकिंग की जा रही है अते उत्थों दीआं दुकानां अते राहगीरां दी भी चैकिंग की जा रही है। कई शक्की लोगों तो पुछगिछ भी की जा रही है। इन्हां लोगों तो पुछगिछ पंजाब पुलिस दे वड्डे अधिकारियों की देख रेख विच ही की जा रही है। पंजाब दे विच इन्हां सर्च ऑपरेशनां दे चलदे होए नशा तस्करी करन वाले अते शरारती अंसरां दा पंजाब विच आगमन घट गया है अते आउण वाले दिनां विच इन्हां अंसरां दे खिलाफ इह विढ़ी गई मुहिम सफल हुंदी नज़र आ रही है अते पंजाब विच शरारती अंसरां दीआं शरारतां भी घटदीआं नज़र आ रहीआं हन। पंजाब पुलिस वल्लों ड्रग्स दे खिलाफ चलाई जा रही मुहिम नूं अज अगे वधाउंदिआं होइआं पंजाब पुलिस वल्लों एक वड्डा ऑपरेशन क्लीन शुरू कीता गया है, जिस दे तहत पंजाब दे 28 जिलों विचों जिन्ने भी ड्रग्स दे व्यापारी ने, जिहड़े वड्डे स्मगलर्स ने और जिहड़े शक्की स्थान ने, इहो जे 2300 जगह ते अज छापेमारी इकट्ठे की जा रही है। मैनूं उम्मीद है कि इहो जे ऑपरेशन्स नाल पंजाब पुलिस दा जिहड़ा एक संकल्प है कि इस सूबे नूं नशे तो मुक्त कराना है, उस दे विच वड्डी कामयाबी मिलेगी। आज पंजाब भर में पंजाब पुलिस की ओर से नशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी गिनती में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी जो ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहे हैं। और जो अलग अलग जो बात की जाए तो एरियो में आज पंजाब पुलिस की ओर से ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। हमारे साथ राजपुरा से DSP सुरेंद्र मोहन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस किस जगह पर चलाया जा रहा है। सर, आज जो ऑपरेशन पंजाब पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, क्या उसका कारण? साढ़े मानयोग DGP साहब तो SSP साहब पटियाला जी की हदायतों के मुताबिक जोड़ा साडा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हैगा अगेंस्ट ड्रग्स, वो अज असी किया जा रहे हैं। साढ़े सारे सब डिविजन के डिफरेंट टीम्स गई हुई ने, सिटी पुलिस स्टेशन तो असी टीम भेजिया ने सदर तो बनूड़ के मैं प्रेजेंट हैगा, इतने आप कर रहे हैं। असी सारे जोड़ा है ड्रग्स जोड़ा है तो गवर्नमेंट की जी नो टॉल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हैगी है, उहदे विच असीं काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत ते किसी भी इलाके दे विच साडे एरिए दे विच ना ड्रग विकण दित्ता जाऊगा ना उहनूं टॉलरेट करांगे किसी भी कीमत ते। उहदे बारे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं ते असीं जिहड़े कोई भी सानूं सस्पेक्टड पर्सन मिलदे आ उन्हां दी सर्च करके असीं रिकवरीज कर रहे हैं जी। सर, जिस तरह पहला भी पंजाब पुलिस की ओर से जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें भी बहुत रिकवरियां होती थी और आज जो सर्च अभियान चलाया गया उसमें भी कोई रिकवरी वगैरह होंगी? हाँ जी, रिकवरियां हो रही ने जी, इट्स कंटीन्यूस हैगा जी, जिहड़ियां रिकवरियां होणगियां तुहाडे ध्यान 'च लिया देवांगे। कुछ एक दो नोटिस च आ गईआं जिहड़ियां कि टीमां ने करियां ने, अगे जिहड़ी है प्रोसीजर इज़ गोइंग। सो साडे नाल DSP राजपुरा मौजूद थे और जिनकी ओर से बताया गया है कि आज जो पंजाब पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जो रिकवरी भी जो पहले भी होती थी और आज भी कुछ रिकवरियां जो हुई हैं और पुलिस की ओर से जो जल्दी जो मीडिया के सामने जो बताया जाएगा पूरे पंजाब भर में जो आज ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और राजपुरा की जो बात की जाए तो सिटी पुलिस की ओर से, सदर पुलिस की ओर से, थाना बनूड़ की पुलिस की ओर से जो आज सर्च अभियान जो नशे के खिलाफ पंजाब के DGP के आदेशों के मुताबिक चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन और मॉल के साथ गुरप्रीत धीमान है, मिचवन राजपुरा। ऑपरेशन क्लीन अप जिहड़ा है पूरे पंजाब दे विच कीता जा रहा है। इस ऑपरेशन का मेन मंतव एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, इहदा मुख मंतव यह है कि जिहड़े कि कमर्शियल क्वांटिटी के NDPS एक्ट के जिहड़े अक्यूज्ड ने उन्होंने घरां दे विच ते उन्होंने जिहड़े एसोसीएट्स ने उन्हों का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो कोई यह जिहा ऑपरेशन किया जाता है तो एक तो सब तो पहला सानू उम्मीद होंगी कि कोई ना कोई रिकवरी मिलेगी। सैकेंडली एक प्रिवेंटिव एक्शन भी होंगे पुलिस वालों ताकि जो माड़े अंसर ने सोसाइटी के वो एरिया छड़ के भज जाए।
ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।